गोंडवाना रत्न, गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन के महानायक दादा हीरा सिंह मरकाम जी, जो कि पूरे देश में गोंडवाना आंदोलन को जनसेवा के रूप में जन जन तक पहुंचाने का बड़ी ही सादगी और अपनी एक अलग ही पहचान पूरे देश में उनकी रही है, इसलिए दादा हीरा सिंह मरकाम जी के बारे में उनके जो कार्यकर्ता जो नारे लगाते हैं कि सारे देश में एक ही नाम दादा हीरा सिंह मरकाम जी, जिस तरह से दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने पैदल चलकर और सादगीपूर्ण तरीके से ना भूख देखा ना प्यास देखा, जैसा साधन मिला उस तरह से उन्होंने गोंडवाना आंदोलन को प्रारंभ करते हुए और एक आज पूरे देश में उसकी जो अलख और मसाल जल रही है, यही कारण है कि आदिवासियों में एक जनजागृति और राजनीतिक चेतना अब फूट फूट कर भर गई है और किसी भी तरह वह जैसे कि वे पहले भी राजा थे और शासन चलाना बहुत अच्छे से उनके राज में आता था। कोई भी वर्ग, गोंडवाना शासन की यदि इतिहास की बात करें हम, कोई भी वर्ग परेशान प्रताड़ित नहीं था। उसी मुहिम को आज दादा हीरा सिंह मरकाम जी हमारे बीच में नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, लेकिन दादा हीरा सिंह मरकाम जी की जो विचारधारा है वो आज देश में लाखों कार्यकर्ताओं में दौड़ रही है। उसी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ाने के लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय तुलेश्वर सिंह मरकाम जी भी दादा सिंह मरकाम जी की विचारधारा को लेकर उन्हीं की तर्ज पर अब गांव-गांव निकलकर कार्य कर रहे हैं। हम आज बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तुलेश्वर मरकाम जी, उनसे जानेंगे कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसको लेकर उनकी क्या रणनीति है और किस तरह वे मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे और छत्तीसगढ़ में भी अपनी सरकार बनाएंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के समस्त जनताओं को मेरा सेवा जोहार, जय जोहार, जय गोंडवाना। और हम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मध्य भारत के साथ साथ पूरे भारत में जनजाति समाज में मूल्य समाज में राजनीति चेतना देने का काम किया। आज तक के किसी देश पर शासन करने वाले, चाहे कांग्रेस की पार्टी हो या फिर बीजेपी की पार्टी हो, दोनों पार्टियों ने आदिवासी समाज को, जनजाति समाज को वोट बैंक समझा, परंतु हमारे जो गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन के महानायक रत्नोग्रस्त दादा मरकाम जी के आने के बाद समाज में जनजागृति आई और आज समाज में जनचेतना आई है अपने संवैधानिक अधिकार के लिए, अपने हक अधिकार के लिए, समानता के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। निश्चित तौर पर गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन सामाजिक आंदोलन, आर्थिक आंदोलन, शैक्षणिक आंदोलन, तमाम आंदोलन चल रहे हैं। हम खाली राजनीति नहीं करने आए हैं, समाज में नए तरीके से उनकी जनजागृति करने के लिए आए हैं। निश्चित तौर पर जब जब चुनाव आती है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी चुनाव लड़ती है, बसाते पूरे 5 साल सामाजिक चेतना का काम करती है, सामाजिक गतिविधि में काम करती है और उनका जो आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है, कारोबार बढ़ता जा रहा है। आने वाले जो 2023 का चुनाव है महत्वपूर्ण है, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में हम यहाँ के जो क्षेत्रीय दल हैं, छोटे छोटे दल हैं, उनके साथ मिल करके पूरे के पूरे मध्य प्रदेश के 230 विधानसभा 230 विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और क्षेत्रीय दल के साथ मिल करके यहाँ की सत्ता की चाबी हमारे हाथ में होगी
यहाँ के मूल निवासियों के जल जंगल के जमीन अधिकार दिए जाएंगे, उनका संवैधानिक अधिकार सुरक्षित किया जाएगा, पेशा एक्ट का अक्षर सा पालन किया जाएगा और यहाँ की तमाम खनिज संपदा पर यहाँ के मूल निवासियों के जो रॉयल्टी की बात कही गई पेशा एक्ट में वो रॉयल्टी यहाँ पर दी जाएगी। निश्चित तौर पर साथियों आज हम लोग सब मिल करके यहाँ के मूलवासी जो यहाँ के रहवासी हैं उनको न तो बीजेपी ने उनका संवैधानिक अधिकार दिया, न आज जो सत्ता में कर रही है, हम 20 साल से बीजेपी की रही, उसके पहले कांग्रेस की शासन सत्ता रही, परंतु आज तक के यहाँ के आदिवासियों को उनका हक अधिकार नहीं दिया। गोरवाना रतन पार्टी के आने के बाद यहाँ के मूल निवासियों को जो एसटी एससी ओबीसी के भाई हैं सबको समानता के अधिकार, दादा मरकाम जी ने कहा कि मानव मानव एक समान, सबको शिक्षा सबको सम्मान, रोटी कपड़ा मकान, यह गुड़वाना का पैगाम, यह है गुड़वाना का। निश्चित रूप से दादा मरकाम जी के विचार को हम जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं आने वाले समय में, और गुड़वाना गणतंत्र पार्टी पूरे मध्य भारत के साथ साथ पूरे भारत में दादा मरकाम की विचारधारा पहुँचाने का काम कर रही है। बहुत जल्द ही हम लोग अपनी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में गुड़वाना गणतंत्र पार्टी सरकार बनाएंगे। जैसा कि अभी मध्य प्रदेश में वर्तमान में लगभग 3,40,000 करोड़ का जो कर्ज है वो शिवराज सिंह सरकार लेकर और विकास की बातें कर रही है, जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, लाडली लक्ष्मी लाडली बहना योजना चला रही है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? लगातार उनको जन आशीर्वाद मिला तभी तो सीएम बने, परंतु विकास भी तो होना चाहिए, सड़कें जड़जड़ हैं और आदिवासियों के विकास की बात कही गई है कहीं धरातल पर नहीं दिखती। एसटी एससी सब प्लान के नाम से केंद्र की सरकार ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने और पूर्ववर्ती सरकार ने अरबों खरबों रुपया कर्जा लेकर के आई, संविधान के अनुच्छेद 275 के अंतर्गत आर्थिक उन्नति की जो बात कही गई है, परंतु आज हमारे नाम से कर्जा लाई एसटी एससी सब प्लान पर, परंतु हमारा विकास कहीं नहीं दिख रही है। निश्चित रूप से दोनों सरकार की सोची समझी रणनीति है कि यहाँ के मूलवासियों को विकास नहीं करना चाहते, पैसा हमारे नाम का है परंतु हमारे घर तक नहीं आई, वो पैसा आखिर कहाँ गया, किस बात की जन आशीर्वाद मिले उसको, जनता का विकास करें, जन आशीर्वाद मिला अब उनको काम करना चाहिए था, परंतु जिस तरीके से आदिवासियों पर अन्याय अत्याचार हत्या बलात्कार शोषण बढ़ा है वो साल दर साल हर साल बढ़ते चले जा रहे हैं। निश्चित तौर पर आने वाले समय में जन आशीर्वाद हमें मिलेगा, गुड़वाना गठबंधन पार्टी को मिलेगा, और जिस तरीके से यहाँ पर भारत देश गुड़वाना का 257 यश मिले और भारत संघ बना, निश्चित तौर पर हम लोग सभी के दिलों पर हमने बड़े सभी वर्गों को हमने पूरे सम्मान के साथ अपने दिलों पर जगह दिया, अपने राज्य में आश्रय दिया और अपने सम्मान अपने साथ मिलकर के उनके साथ हमने भी सपना देखा, परंतु हमारा विकास कहीं नहीं हुआ। जिन जो हमारे धरती पर आए जिनको हमने आश्रय दिया आज यहाँ पर लखपति है, उनकी कंपनियाँ हैं, फैक्ट्री हैं, परंतु हमारे मूलवासी कोई कंपनी नहीं है, ना कोई फैक्ट्री, ना उद्योग धंधे हैं। निश्चित तौर से यहाँ के मूलवासियों के साथ धोखा हुआ है और जन जागृति गुड़वाना आंदोलन फैलाई है और जन जन तक पहुँचाई है, इसका लाभ जन आशीर्वाद गुड़वाना गणतंत्र पार्टी को आने वाले समय में मिलेगा। जैसा कि किसान और श्रमिकों की हम बात करें तो यहीं सिवनी जिले की यदि हम बात करें, गुड़वाना गणतंत्र पार्टी के जिला अध्यक्ष जया प्रताप कुंडल जी भी जानते हैं कि अभी 3-4 वर्षों से या पिछले पंचवर्षीय में ही जो किसानों की फसलें बर्बाद हुई थी उनको मुआवजा मध्य प्रदेश सरकार अभी तक नहीं दे पाई है, इसके साथ ही मजदूरों को भी समय पर पंचायतों में जो है वो मजदूरी नहीं मिल पा रही है, आखिर इसके पीछे क्या शासन की नीति जिम्मेदार है या प्रशासन जिम्मेदार है? समझना निश्चित रूप से जो किसानों की फसल बर्बाद हुए किसानों के साथ है ये सब चीज शासन सत्ता को जिनको हमने शासन सत्ता हमने सौंपा है, जिस प्रदेश की जनता ने सत्ता सौंपी है उसका कर्तव्य बनता है कि मेरा यहाँ की कोई जनता भूखे न रहे, उनके साथ कोई अन्याय अत्याचार शोषण ना हो, परंतु दुर्भाग्य है कि यहाँ की जो शासन सत्ता है
होकर अग्नि युद्ध में सो रही है। जनजातियों के उनके दुख दर्द के साथ नहीं है। हमने कल बड़े पैमाने पर लखनऊ जिला बना भी समर्थन किया। यदि लखनऊ जिला बनता है तो ये जो जिला है पूर्णतः पांचवी सूची होगा और यहाँ पर बड़े पैमाने पर राजस्व बढ़ेंगे। परंतु सरकार की मंशा नहीं है कि यहाँ के मूल वासियों के साथ खड़े हो, उनके हक अधिकार के लिए खड़े हो। लगातार शोषण करने में लगी हुई है और जब जब वोट आते हैं, चुनाव आते हैं, तब उनका जो मुद्दा होता है आदिवासियों को होता है। परंतु साथियों, अब जनता समझ चुकी है, जब तक के हम अपनी सरकार नहीं बना लेंगे हमारी विकास नहीं होगा। इसलिए जनता जो है बड़े पैमाने पर गुरुवाना वजन पार्टी का आस लगाई है और हम लोग भी जो आज तक के हमें ठगे गए हैं, धोखा में रखे गए हैं, अब धोखा नहीं खाएंगे। अपना विकास खुद करेंगे, अपना सरकार हम खुद बनाएंगे और जो आज तक के हमारे नाम से कर्जा लेकर के आए हैं शासन सत्ता वाले, हमारे नाम से जो कर्जा लेकर के आए और अपने घरों का विकास किए, अब हम प्रदेश में अपनी सरकार बनाएंगे, विकास हम खुद अपनी करेंगे। कांग्रेस और कमलनाथ यह कह रहे हैं कि 2018 की तरह ही आदिवासी समुदाय कांग्रेस के साथ होगा एवं जनता भी उनके साथ होगी और फिर कांग्रेस सरकार बनाने का दावा कर रही है। कांग्रेस को आप किस रूप में लेते हैं? कमलनाथ जी आएंगे तो अपने विधायक कमलपुर वालों को बेचेंगे। पिछले बार भी जिस जनता के साथ जनादेश दिया था, मध्य प्रदेश पर सरकार बनाई थी, परंतु समझ गई है करप्शन नाथ है और विधायक बेचने वालों के साथ हम लोग कतई नहीं जाने वाले हैं। जनता की मन बना चुकी है और जो वादे किए जा रहे हैं, 11 वचन ले घूम रहे हैं, तो साथियों वचन वादा करते हैं परंतु हर हमेशा भूल जाते हैं। तो जनता समझ चुकी है, चुनावी जाते हैं तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, अब जनता सबक सिखाएगी कांग्रेसियों को, अब भाजपाइयों को। बड़े बड़े जुमलेबाज की सरकार है, जुमलेबाजों की सरकार से जनता त्रस्त हो चुकी है। इसलिए गुणवाना गणतंत्र पार्टी पर तीसरे मोर्चे पर प्रदेश की जनता आस लगाई हुई है और हम सब मिल करके संदेश देना चाहते हैं यहाँ प्रदेश की जनता को। हम लोग भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, शोषण युक्त, रोजगार युक्त शासन देंगे। साथ ही छत्तीसगढ़ में बहुजन समाज पार्टी के साथ समझौता करके गोंडवाना गठबंधन पार्टी चुनाव आगामी विधानसभा का लड़ने जा रही है, क्या मध्य प्रदेश में भी बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर गोंडवाना गठबंधन पार्टी विधानसभा का चुनाव लड़ेगी? निश्चित तौर पर आज प्रदेश की राजधानी भोपाल पर बहुजन समाज पार्टी, गोंडवाना गठबंधन पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यहाँ भी गठबंधन से सरकार बनाने की तैयारी में है और आज घोषणा हो जाएगी। यहाँ भी गठबंधन से हम चुनाव लड़ेंगे और बेहतर से बेहतर सरकार देंगे हम लोग।